तुम्हें पता है 2022 बॉलीवुड का सबसे खराब साल, एक दो मूवीज को छोड़कर सारी मूवीज फ्लॉप हो रही थी। बॉयकॉट वालों ने बॉलीवुड का ऐसा बॉयकॉट किया कि अच्छी मूवीज भी फ्लॉप होने लगी। लेकिन 2023 का अक्टूबर महीना पूरे इंडियन सिनेमा के लिए सबसे खराब महीना रहेगा, क्योंकि इस महीने बहुत सारी मूवीज रिलीज हुई, बहुतों का टीजर भी रिलीज हुआ, लेकिन हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिला। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि हम कौन कौन सी मूवी से एक्सपेक्टेशन रख रहे थे और क्या सच में हमें जो चाहिए था वो मिला है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर गणपत की बात करें तो हीरोबंदी 2 के बाद जब गणपत मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था तो हमें लगा था कि टाइगर श्रॉफ एक यूनिक स्टोरी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी एक डिस्टोपियन स्टोरी है, तो शायद हमें लगा था कि मूवी अच्छी हो सकती है। लेकिन जब इसका टीजर आया तो इतना खास नहीं था, फिर भी टाइगर श्रॉफ की पिछली मूवी से तो अच्छा ही था। उसके बाद जब मूवी का ट्रेलर आया तो हमको मूवी को लेकर जो 50% एक्सपेक्टेशन था वो 20% पर आ गया, और हम टाइगर श्रॉफ से इतना प्यार करते हैं कि हम लोगों ने सोचा खैर शायद मूवी अच्छी हो सकती है, तो हम लोग थिएटर मूवी देखने चले गए। तो हमें क्या मिला, हीरोपंती 3, एक डिस्टोपियन मूवी के नाम पे इन्होंने बॉक्सिंग और लव स्टोरी दिखा दिया। उसी के साथ पार्ट 2 का भी अनाउंसमेंट हो गया, तो हम टाइगर श्रॉफ से जो एक्सपेक्टेशन रख रहे थे वो पूरी तरह से डूब गया। उसके बाद आया लियो मूवी का ट्रेलर, और भाई साहब लोकेश कनकराज ने क्या ही ट्रेलर बनाया है। और ट्रेलर देखने के बाद मैंने मूवी की जो स्टोरी सोची थी और थिएटर जाने के बाद जो स्टोरी देखने को मिला, दोनों ही बहुत हद तक अलग है। तो मुझे लोकेश कनकराज का एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, लेकिन थिएटर जाने के बाद हम जो एक्सपेक्टेशन लेके गए थे लियो मूवी के लिए वो हमें कुछ हद तक नीचे गिराती हैं। मतलब कि मैंने तो 100% एक्सपेक्टेशन लेकर गया था और थिएटर से निकलने के बाद मेरा वो एक्सपेक्टेशन 20% नीचे गिर गया। बाकी 80% मूवी अच्छा था, लेकिन लोकेश कनकराज थोड़ा और बेहतर कर सकते थे। डंकी के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि डंकी के मेकर्स ने हमारे एक्सपेक्टेशन को नहीं तोड़ा है। उन्होंने मूवी का पोस्टर भी रिलीज किया, उसी के साथ मूवी का रिलीज डेट भी अनाउंस कर दिया। तो मूवी का रिलीज डेट होने वाला है 21 दिसंबर को, मतलब कि सलार से एक दिन पहले रिलीज होगा डंकी। और इस महीने का सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन जो कि मैं कर रहा था कि प्रभास के बर्थडे के दिन सलार के मेकर्स सलार का एक पोस्टर रिलीज कर दे, और हाँ उन्होंने कर भी दिया, और वो पोस्टर ये रहा। पुराने 3-4 पोस्टर को लिया और एक साथ ज्वाइंट किया और रिलीज कर दिया, और इनमें से तो एक साल पुराना है। देखिए सर जी, फैन फीलिंग नाम की भी एक चीज होती है। प्रभास के हर फैंस चाहते थे कि प्रभास का फेस रिवील किया जाए पोस्टर में, क्योंकि टीजर में उनका फेस रिवील नहीं हुआ था, तो हमें लगा था कि शायद पोस्टर में फेस रिवील कर दे। इससे अच्छा अगर पोस्टर रिलीज ना भी करते तो भी चलता। इसे देखकर एक टाइम पे तो मेरे को लग रहा था कि ये एक फैन मेड पोस्टर है। तुम ही बताओ कहाँ से लग रहा है कि इस पोस्टर को सलार के मेकर्स ने बनाया है। खैर तुम्हें क्या लगता है अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। देखते रहो ट्रेडिशनल ह्यूमन।